अश्वमेघे सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्षं प्रदक्षिणा भूमे कुंभस्नानेन तत्फलम्। अर्थात 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ एवं 1,00,000 बार इस पूरी भूमि की परिक्रमा करने पर जो पुण्य अर्जित होता है वो इस कुंभ के स्नान में होता है। ऐसी भावना के साथ, ऐसे उद्देश्य के साथ लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने पितरों को जलांजलि, तर्पण, पिंडदान इत्यादि करने के लिए इस पवित्र स्थल हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर पहुँचते हैं। साथ ही साथ जिस कुंभ की हम लोग बात करते हैं वो कुंभ अपने आप में जो अमृत प्रदान करता है, अर्थात लोग कहते हैं कि हम अमृत पाने जा रहे हैं, वो अमृत पान नहीं अमृतपान है। अर्थात अपने अंदर एक आध्यात्म, वैराग्य, सनातन परंपरा एवं चिंतन और मनन की वो धारा प्रवाहित शरीर के अंदर होती है। जब ये सोम कलश रूपी जो वो उनका कलश है, वो दर्शनीय नहीं, वो दर्शन है सूर्य भगवान, उस सूर्य से निकले वाली किरणें वो अमृत है। अर्थात सोम रस, भले ही वर्तमान में सोम रस को गलत प्रकार से प्रचारित किया गया हो, लेकिन एक्चुअल सोम रस जो है वो वही अमृत है जो इस सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं, वो इस अध्यात्म की प्रगाढ़ता बढ़ाती है, वैराग्य बढ़ाती है और आपके अंदर चिंतन और मनन की भावनाएं जागृत करती है। ये जो हम लोग संतों के दर्शन करते हैं इस कुंभ में, जो अरण्यों में, वनों में, पर्वतों में, कंदराओं में, मठों मंदिरों में जो साधु संत 12 साल बाद निकल के आते हैं, विशेष तौर पर दिगंबर लोग, वो इस सूर्य की जो सातवीं किरण इस भारत में पड़ती है उसकी आध्यात्मता की प्रगाढ़ता के कारण ही यहाँ वैराग्य, तप, यज्ञ, स्नान, धर्म, कर्म, संस्कृति ये सब है, जिस कारण 1000 वर्ष तक भी गुलाम रहने के बाद भी ये देश आज अपनी एक विशेष रूप से विश्व में स्थान रख रहा है, वो इन संतों महंतों के कारण रख रहा है। जब सारे लोग, सारे हमारे राजा हार गए, लगातार हुकूमतों के ऊपर शासन अंग्रेजों से लेकर और आक्रांताओं का हुआ, तब इन साधु संन्यासियों ने अपने जब तब छोड़कर शस्त्र उठाकर इस भारत की रक्षा करी। इसलिए पूजनीय है, दर्शनीय है, चिंतनीय है और इनका आशीर्वाद पाना अपने आप में एक विशेष रूप की शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करने वाला है। इदम ब्रह्मा, इदम विष्णु, इदम देवो महेश्वर, इदमेव निराकारम निर्मलम जाह्नवी जलम। अर्थात ये जो बहने वाला जाह्नवी का जल है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूप में प्रवाहित होती है, ये नीर के रूप में। इस भावना के साथ लोग जब इसमें डुबकी लगाते हैं और ये भारत है, जब हम लोग इसी सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, हम भारत के लोग लगातार इस बात की भावना करते हैं और अब कल से हमारे नवरात्र शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है जब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं तो जो ओम हैम हिम लिंग किंग चामुंडा विच्चे, इस मंत्र का जाप करते हुए डुबकी लगानी चाहिए और देवी के उस जाप से ही ये रक्त बीज जैसा जो क्षणु पूरे विश्व को खाने की ओर दौड़ रहा है, उसका निराकरण इस गंगा के स्नान से ही होगा और डुबकी लगाने से होगा। आप हमारी सांध्यकालीन आरती में देखिएगा, हम दोनों हाथ उठाकर यही कामना करते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पापियों का नाश हो, ऐसी जब हम लोग जयकारा लगाते हैं तो निश्चित तौर पर ये जयकारा, क्योंकि कुंभ का स्नान भी हम लोग ये जो ऐसे दोनों हाथ उठाकर हम करते हैं और ऐसे हाथ उठाकर करते हैं, तो हम इस परमात्मा से जो हमें देख रहा है उसी से हम इस प्रकार की भावना के साथ मांगते हैं, तो निश्चित तौर पर इस स्नान के बाद ये कोरोना जैसी महामारी दूर हो जाएगी।